कराची में सिंध हाई कोर्ट के वकील इरफान महर के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल मकतूल का साला निकला। पुलिस के मुताबिक कत्ल में इरफान महर की बीवी और साली मुलविस थी। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर का कत्ल, बीवी और साली ही कत्ल में मुलविस निकली। पुलिस ने सनसनी खेज इंकशाफ कर दिए। डीआईजी सीटीडी के ऑफिस में डीआईजी वेस्ट गुलाम नबी मेमन, डीआईजी सीटीडी सैयद खुर्रम और एसएसपी सीटीडी राजा उमर खताब ने वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस हुकाम ने बताया कि केस में मुलविस दो मुलजिमान को गुज़िश्ता रात कराची से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान अंदरून सिंध फरार हो गए थे। कत्ल में इरफान महर की बीवी और साली मुलविस थी। उन्होंने ही अपने भाई अकबर को कत्ल करने का कहा। पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कत्ल करने वाला अकबर नामी शख्स एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। राजा उमर खताब का मजीद कहना था कि मामले पर सीटीडी और कराची पुलिस की टीमें तश्कील दी गई थी, जिन्होंने बरवक्त केस निपटा दिया।